यूपी के लखीमपुर खीरी में बहराइच हाईवे पर भाजपा सदर विधायक योगेश वर्मा की स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दो मौसेरे भाइयों को रौंद दिया। इसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर गाड़ी छोड़कर भागने लगा, लेकिन लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ये भी बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त आरोपी ड्राइवर नशे में था। दोनों युवक शादी समारोह में जा रहे थे। इस दौरान रावापुर गांव के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना कोतवाली क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस स्कॉर्पियो से ये एक्सीडेंट हुआ था वो सदर विधायक जी का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो वाहन को और वाहन के चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जमीर अहमद हमारे साथ लखीमपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जमीर, देखिए लखीमपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? देखिए आयुष जी, आपको बता दें पूरा मामला लखीमपुर जिले के सदर कोतवाली इलाके के रामापुर के बहराइच रोड का है। बीती रात करीब 9 बजे दो बाइक सवार एक ही बाइक पे जा रहे थे और तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो ने उनको टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जो स्कॉर्पियो है वो भाजपा विधायक सदर योगेश वर्मा की बताई जा रही है। पूरे मामले में पुलिस ने जो चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया, स्कॉर्पियो को भी अपने कब्जे में ले लिया है और कहीं ना कहीं पूरे मामले में सियासत भी अब शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है, इस पूरी घटना को लखीमपुर हिंसाकांड से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें 3 अक्टूबर 2021 को जिस तरीके से के अजय मिश्रा उनके बेटे ने ये किसानों को कुचल दिया था अपनी थार कार से, उसी मामले से इस मामले को भी जोड़ा जा रहा है। सपा ने ट्वीट करते हुए सूबे की सरकार पर तंज कसा है कि भाजपा ही सत्ता के नशे में अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, लोगों को रौंद रहे हैं। जी शुक्रिया जमीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।